असम का राज्यपाल बनाए जाने के बाद गुलाब चंद कटारिया की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि मुझे असम का राज्यपाल बनाने लायक समझा गया, ये मेरे लिए बड़ी बात है। पार्टी ने मुझे जब भी जो भी जिम्मेदारी दी मैंने उसे मेहनत और क्षमता के साथ किया। उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी ने 11 बार टिकट देकर चुनाव लड़ने का मौका दिया, मुझे इस लायक समझा गया तो मैं बिल्कुल उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। अपने पद को मांगने के लिए मैं कभी किसी के पास नहीं गया, उन्होंने खुद मुझे बह दिया। जब मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था तब भी मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पार्टी है और एक कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। वहीं कटारिया ने कहा कि उन्हें ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। हालांकि 2 दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन कर हालचाल जाने थे, लेकिन राज्यपाल बनने से लेकर उससे कोई भी चर्चा नहीं हुई थी। कटारिया की गिनती राजस्थान बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में होती है। वे आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं, फिर जनसंघ में आए। जनसंघ बीजेपी के शुरुआती नेताओं में से कटारिया प्रमुख रहे हैं। कटारिया राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष रहने के साथ 8 बार विधायक और 1 बार सांसद भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि राज्यपाल बनाए जाने के बाद कटारिया को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।